आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डबवाली के रविदास नगर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जिस पूरे वार्ड की कुछ गलियों को कंटेनमेंट जोन में डाला गया था। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिर डबवाली में एक कोरोना का पॉजिटिव केस मिलने के बाद इस वक्त के हालात किस तरीके के हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हमारे योद्धा हैं, तमाम पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पर कड़ा पहरा यहाँ पर दे रही है। और रविदास नगर की बात करें, 1, 2, 3 और 4, इसकी चार गलियाँ कुल मिलाकर जो बंद की गई है, जहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। और आखिरी गली जो 4 नंबर गली पड़ती है, उसके आगे जाकर आपको पता है कि प्रेमनगर का एरिया शुरू होता है, और जिसकी 3 गलियाँ हैं वो भी सील की गई हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त की तस्वीरें। सामान्य तौर पर यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, किसी तरीके की कोई समस्या दिक्कत नहीं है, और तमाम लेडीज पुलिस और पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो लोगों से लगातार वार्तालाप कर उन्हें किस तरीके से गाइड करना है वो सारी जो बातें हैं उनके साथ साझी की जाती हैं। एसेंशियल हम गुड्स की बात करें, चाहे दूध की बात हो, सब्जियों की बात हो, तो वो भी यहाँ पर पास जारी करते हुए प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए सब्जी की सुविधा मुहैया करवाई गई है। और जो दोधी हैं, दूध वाले, वो यहाँ पर जो दूध है वो डोट अब इस गली के मुआयने पर आकर लोगों को टर्न बाय टर्न जो एक सोशल डिस्टेंस के माध्यम से दूध वो पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लेडीज पुलिस यहाँ पर जो तमाम हमारी बहनें हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी दे रही हैं। और किस तरीके से आप देखिए, संकट के दौर में हम सल्यूट करते हैं हरियाणा पुलिस को, जहाँ पर आम आदमी अपनों का भी साथ छोड़ रहा है जब किसी को पता चलता है कोरोना के बारे में, लेकिन यही हमारे योद्धा हैं जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहकर उन्हें मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं कि आपको किस तरीके से अगर ऐसी विकट परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए आपको बंदिशें होती हैं कि आप बाहर नहीं आ सकते, आपको उसी जीवन में जीना पड़ता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम ये कामना करते हैं कि बहुत जल्द उस महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आए और सब लोगों को सुखद की सांस लेनी पड़े। मेरे साथ इस वक्त ड्यूटी मैजिस्ट्रेट यहाँ पर राकेश पट्टी साहब जी हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, किस तरीके की स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लोग आपको कॉपरेट यहाँ पर कर रहे हैं इस कम्युनिटी के लोग सारे? देखिए, जैसा कि आपको पता है, एक ऐसी महामारी है जिससे सारा विश्व जूझ रहा है, और इस संकट की घड़ी में जितने भी ये 4 गलियां यहाँ रविदास नगर की हैं, गली नंबर 1, 2, 3 और 4, इन 4 गलियों को यहाँ सील किया हुआ है, दोनों तरफ से सील किया हुआ है, और पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं मुस्तैद हैं, यहाँ बहुत तन्मयता से ड्यूटी जो है अपनी निभा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि यहाँ के जो निवासी हैं इस 4 गलियों के, वो निवासी जो हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी जो डेली की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के लिए यहाँ पर सब्जी की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था जो है वो बाहर जो आ जाते हैं उनको दूध सप्लाई करने वाले और सब्जी देने वाले, और वो अपनी दैनिक जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति जो है उनके माध्यम से कर रहे हैं, और सभी का सहयोग इस महामारी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है इस महामारी से जूझ रहे हैं, और सभी का सहयोग अगर रहा तो मैं ये आशा करता हूँ कि हम जल्द ही इस महामारी से निजात पा सकेंगे। सर, सुरक्षा के लिहाज से कितनी गलियों में बैरिकेटिंग की गई है, और क्या लगता है लोग वाकई भी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पा रही हैं, एसेंशियल जितनी भी सर्विस? देखिए, जहाँ तक गलियों को बैरिकेटिंग करने का सवाल है, 4 गलियों को पूरी तरह से बैरिकेटिंग की हुई है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, और 4 गलियाँ जो हैं पूरी तरह से जो हैं उनमें आवाजाही जो है वो बंद की हुई है, और जितने निवासी हैं एक दो बातों को छोड़ करके उनको जो डेली की जरूरतें हैं उनके लिए बाहर आते हैं, लेकिन बाकी जो है पूरी तरह से जो है व्यवस्था इस 4 गलियों में बनी हुई है, और जो यहाँ के निवासी वो भी सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ आप तो यहीं से मौजूद हैं, आप पूरे कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर, किस तरीके की सिचुएशन है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं? दिक्कत खाने की आ रही है जी, खाने की दिक्कत है, गरीब आदमियों के पास ना तो खाना है, दूध आता है वो पहले वाला दूध आता है जो पहले आता था, सब्जी आती है जो 4 रेडी कल से आने लगी है, उसके बाद खाने की भारी दिक्कत आ रही है, गरीब आदमी घरों में पोछा भारी करता है, और जो भी रक्षा चलाता है जूतियों का काम बंद है, उस करके काफ़ी भारी दिक्कत आ रही है खाने की, और कोई राजनेता नहीं आ रहा, कोई भी आदमी हमारे को सहयोग नहीं कर रहा खाने वास्ते, खाने की भारी दिक्कत है। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं सर, क्योंकि देखिए बड़ी विकट परिस्थितियां हैं सर, हम कुछ कर नहीं सकते, आपको बाहर आने की परमिशन नहीं हो सकती किसी भी हालात में? एक दूसरे के सहयोग से जी, 4 घर इकट्ठे हो गए, जो सामान नहीं होता मिलजुल के खा रहे हैं जी, जो भी खाना मिलजुल के खाना। और
प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिल पाया सर, जैसे सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बैरिकेड? सुरक्षा अच्छी है, डॉक्टर टीम अच्छी है, पूरा सहयोग मिल रहा है इनका, बाकी खाली खाने का सहयोग नहीं मिल रहा हमारे को। ठीक है सर, आप एक तो प्रॉमिस जरूर कीजिए कि यहाँ के लोग हैं वो बाहर ना जाएं, हम ये गुजारिश करते हैं वो बाहर ना जाएं, आप भी उनको समझाइए। नहीं नहीं, बाहर जाते नहीं जनाब, बाहर जाते नहीं, जो चार गली मेरी रविदास नगर की है ना जी, वो घर में रहती है, बाहर नहीं जा रही कोई। चलो सर, कामना करते हैं जल्दी हालात सामान्य, परमात्मा की कृपा जी। तो ये हम आपको यहाँ का हाल दिखा रहे थे, और मैं आखिरी गली आपको दिखा देता हूँ, ये आखिरी एरिया पड़ता जहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। ये गलियाँ फ्रंट से भी बंद है, और पीछे से अगर आपको एंड पॉइंट दिखता है तो वो भी उसका बंद किया गया। हम इस गली की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक हमारा कैमरा इसको फोकस कर पाएगा। आखिर तक भी आपको नज़र आएगा कि बैरिकेटिंग है वो की गई है, और लोगों को यहाँ पर बार बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से, तमाम पुलिसकर्मियों की तरफ से भी हौसला अफजाई दी जाती है कि आप सब लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत जल्द हम कामना करते हैं कि जो रिपोर्ट है वो सब लोगों की नेगेटिव आए, और डबवाली एक बार फिर से कोरोना से मुक्त हो जाए, और ये डबवाली में सबसे पहले मुश्किलें नांदेड़ साहब से आए तमाम उन श्रद्धालुओं से बड़ी थी, जब दो कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्टें आई थी, वो दोनों ठीक होकर घर लौटे थे। उसके बाद तीसरा मामला डबवाली में इसी नगर से आया था, जब एक महिला पॉजिटिव मिली थी, और आज इंतज़ार किया जा रहा है, अब से कुछ ही देर बाद तमाम परिवार के लोगों की रिपोर्ट आएगी, उस महिला की रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद एक रिपोर्ट और होगी। अगर वो दोनों रिपोर्टें नेगेटिव आती हैं तो उस महिला को डिस्चार्ज किया जाएगा, और साथ ही उसके बाद प्रशासन अगले स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद इस कंटेनमेंट जोन को हटा देगा। लेकिन फिलहाल डबवाली के बफर जोन की अगर बात करें तो इसी रविदास नगर और प्रेम नगर के कुछ ही एरिया को बफर जोन में डाला गया है, और जो ये चार गलियां हैं इन सबको कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया, यानी कि यहां पर किसी बाहरी व्यक्ति का आना प्रतिबंधित रहेगा, और कंटेनमेंट जोन में जो बैठे लोग हैं उनका बाहर जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन आई होप सो दैट बहुत जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाए, और एक बार फिर से हम उसी रफ्तार में आएँ जिस रफ्तार में हर कोई जीना चाहता है, लेकिन बंदिशें ज़रूर हैं। कोरोना से एहतियातन हम आपसे अपील करते हैं, आप सोशल डिस्टेंस को अपनाएं और चेहरे से मास्क जरा भी ना हटाएं। आपको गुरेज करना है, अपने बार बार अपने चेहरे को आप टच ना करें, और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, बिना वजह घर से बाहर भी ना निकलें। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।